बात का। और जरा दिखाइए जितेंद्र के किस तरीके से वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, भगवान के मंदिर में कैसी धूम है। देखिए गाजियाबाद की तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं और यहाँ पर तमाम दुकानें लगी हुई है जहाँ पर गणेश चतुर्थी के दौरान गणेश जी की मूर्ति खरीदी जाएगी। लोगों में बेहद उत्साह है, रात से ही लोग अपने गणेश जी की मूर्ति को खरीदने के लिए सड़क पर आ गए थे और यहाँ सड़कों के किनारे जो की बंजारे लोग है यहाँ पर ये मूर्तियां बनाते हैं और यहाँ तमाम दुकानें लगती है, दूर तक आप देख सकते हैं। एक शख्स हमारे साथ उनसे बात कर लेते हैं, आप बताए सर, आप बताएं आप मूर्ति लेने के लिए आए। गणेश चतुर्थी है और मूर्ति भी सजानी है, कैसा लग रहा है। लोग व्यस्त है क्योंकि अपनी मूर्ति भी लेनी है, सभी चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी मूर्ति ले सके और रातों रात से ही यहाँ पर जमावड़ा लग जाता है। साहेबगंज इलाका है, रेलवे स्टेशन के पास ये दुकानें लगती है और गणेश चतुर्थी के लिए ये अपनी अपनी मूर्तियां खरीदना चाहते हैं। गणेश जी की आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आप बेहद खूबसूरत मूर्ति है और तमाम जो लोग है वो मोल भाव कर रहे हैं क्योंकि पहले के मुकाबले जाहिर तौर पर मूर्तियों के दाम बढ़े हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके लोगों का जो स्नेह है गणेश जी के लिए वो कम नहीं हुआ है। कोरोना काल चल रहा है लेकिन बावजूद इसके लोग निरंतर आ रहे हैं और गणेश जी की मूर्ति खरीद के यहाँ से ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बड़े बड़े मूर्तियां बनाई जाती थी, क्योंकि कोरोना काल है और प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश है कि कहीं भी कोई गणेश पंडाल ना लगे, इसके चलते लोग घरों में ही पूजा करेंगे और जो छोटी मूर्तियां हैं वो यहाँ से खरीदी जा रही है, यहाँ से ले जाकर लोग अपने घर में ही रखेंगे और बेहद खुशी से इस पर्व को मनाएंगे। फिलहाल जिस तरीके से जो तस्वीरें थी गाजियाबाद की उनमें बदलाव आया है, कोरोना काल के चलते बड़े बड़े पंडाल जो लगते थे वो कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं दिखेंगे और कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि कोरोना काल पर इस बार ये लगा लीजिए कि गणेश चतुर्थी पर कोरोना काल पूरी तरीके से भारी रहेगा। जी जी बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन जैसा कि आपने तस्वीरों में दिखाया लोग काफी व्यस्त हैं और भगवान की मूर्ति खरीद रहे हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि इस बार पांडाल नहीं लगेंगे, भगवान को अपने घर में ही विराजित करके लोग पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन वो लोग जो भगवान को घर में नहीं विराजित कर पाते हैं किन्हीं कारणवश, जो लोग सिर्फ पंडाल में जाकर ही पूजा अर्चना करते हैं, दर्शन करते हैं, उन्हें जरूर इस कोरोना काल में मायूसी हुई होगी। जी बिल्कुल, मायूसी तो जाहिर तौर पर हाथ लगी है क्योंकि लोग बेहद उत्साहित होते हैं, इस दौरान गणेश जी की मूर्ति खरीदते हैं और मूर्ति ही नहीं बल्कि गणेश के पंडाल लगते हैं और उस दौरान काफी हल्ला होता है, गाने गाए जाते हैं, डांस किया जाता है, कॉम्पिटिशन होते हैं, तो गाजियाबाद के लोग काफी इस भक्ति में लीन हो जाते हैं, यूँ कह सकते हैं गणेश चतुर्थी की। और जिस तरीके से आज के दिन गणेश चतुर्थी है और एक ये लगा लीजिए कि 1 तारीख को गणेश विसर्जन होगा, तो विसर्जन के दौरान भी काफी जश्न मनाए जाते हैं, गाजियाबाद के लोग बेहद हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन बावजूद इसके कोरोना काल कहीं ना कहीं गणेश चतुर्थी में भी भारी रहा है। गणेश भगवान के बारे में आपको बता दें कि हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य होता है तो गणेश जी की पूजा होती है और ऐसे में जब गणेश जी खुद गणेश जी की चतुर्थी मनाई जाती है तो लोगों के अंदर खासा उत्साह होता है, गणेश जी को प्रसन्न करना है। और ये जो सुंदर मूर्तियां आप देख रहे हैं इनको खरीदने के लोग आ गए हैं, बारी का इंतजार कर रहे हैं कि इस तरीके से जो दुकानदार है उनसे मोल भाव कर ले और जल्द से जल्द उनको खूबसूरत मूर्ति दे और वो अपने घर में ले जाकर मूर्ति को सजाए। जी जी बिल्कुल जितेंद्र, आपने तस्वीरें जो है वो दिखाई है, काफी सुंदर तस्वीरें हैं, काफी सुंदर मूर्तियां जो है वो भी नजर आ रही हैं। क्या लोग जो पहुंच रहे हैं मूर्ति लेने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और प्रशासन जो है वो किस तरीके से इन चीजों का पालन करवा रहा है। देखिए प्रशासन ने तो अनाउंसमेंट के जरिए ये बता दिया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में आज सैटरडे है और सैटरडे संडे जाहिर तौर पर दुकानें बंद रहती हैं और कहीं ना कहीं लॉकडाउन होता है, तो इसको लेकर जो दुकानें हैं वो तो खासतौर से बंद है, बाकी सभी दुकानें खुली थी और ये दुकानें जो पूजा पाठ की दुकानें और कहीं ना कहीं जो मंदिर है और जो मेडिकल स्टोर है, डॉक्टर्स की दुकानें, वो सब खुली हुई है। गणेश चतुर्थी है इसलिए लोग आ रहे हैं और इस
बेचने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से पहले ग्राहक आया करते थे उनमें ग्राहकों में जाहिर तौर पर कमी है, क्योंकि कोरोना काल के चलते लोग चाहते नहीं है कि वो ये गणेश जी की बड़ी मूर्ति रखे, बड़ा पंडाल लगाए, इसके चलते कहीं ना कहीं ये बड़ी मूर्ति नहीं बनाई है, जो छोटी मूर्तियां बनाई है मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस तरीके की छोटी मूर्तियां बनाई गई है, और ये छोटी मूर्तियां गणेश जी की लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं। बेहद खूबसूरत ये मूर्ति है, और एक महिला है इनसे पूछ लेते हैं कि इस बार तो ये मूर्ति है कितना आ जाइए, कितना इस बार कितने की रखी गई, कितना आइए, कितने की मूर्ति है, ये जो मूर्ति है कितने की, ये वाली 200 रुपए, क्या पहले से महंगी है, पहले से महंगी भी हो रही है, मिट्टी का माल है, मैं देख रहा हूँ बड़ी मूर्ति नहीं बनाई गई है, कहीं ना कहीं ये है कि जो पंडाल है वो नहीं लगेंगे इस वजह से, नहीं लगेंगे पंडाल नहीं लगेंगे इस वजह से बड़ी मूर्तियाँ नहीं लगाई है, विसर्जन की मनाई है पंडाल नहीं लगेंगे, इनका कहना है ये मूर्ति बनाने वाली है, आप इधर आ जाइए, ये मूर्ति बनाने वाली है, और इनका कहना है कि इस बार बड़ी मूर्तियां नहीं बनाई गई है, छोटी मूर्तियां ही बनाई गई है, इस तरीके की मूर्तियां यहां से खरीद कर लोग ले जा रहे हैं और अपने घरों में ही पूजा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से लोग काफी पहले से ही मूर्तियां बनाने लग जाते हैं, जाहिर तौर पर इनके अंदर एक ऐसा जज्बा होता है कि ये सोच होती है कि जब गणेश चतुर्थी होगी तो लोगों का जो उत्साह होगा वो कहीं ना कहीं कम नहीं पड़ना चाहिए, और हर तरीके की मूर्ति ये लोग बनाते हैं, छोटे साइज से लेकर बड़े साइज तक की मूर्तियां बनाते हैं, लेकिन इस बार बड़ी मूर्तियां नहीं दिख रही है, क्योंकि ये पता था इन लोगों को भी कि पंडाल नहीं लगेंगे, तो अगर ये बड़ी मूर्तियां बनाते हैं तो वो वेस्ट जाती, और जो मेहनत मूर्ति पे करते हैं कहीं ना कहीं वो भी खराब जाती, अब इन्होंने छोटी मूर्तियां बनाई है, लोग उत्साहित है, आ रहे हैं घर से, हालांकि वो संख्या कम है जो पहले हुआ करती थी, लेकिन बावजूद इसके लोग घरों से निकल रहे हैं और मूर्तियां खरीदने के लिए आ रहे हैं। जी जितेंद्र, जरा ये बताइए कि पंडाल तो इस बार नहीं लगेंगे, लेकिन जिन लोगों ने अपने घर पर भगवान को विराजित किया है वो 10 दिन के बाद में जो बिल्कुल शोरगुल के साथ में, हो हल्ले के साथ में, गाजे बाजे के साथ में भगवान को विसर्जित करते हैं, क्या वो इस बार हो पाएगा, क्या वो हो पाएगा इस बार के ढोल धमाकों के साथ में, बिल्कुल बैंड बाजे के साथ में विसर्जन हो? देखिए, एक कोरोना काल है और इस दौरान जाहिर तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम उन बातों का हवाला दिया गया है, और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि महामारी है और इस दौरान ये सभी चाहते हैं कि सभी स्वस्थ रहे, 2021 की गणेश चतुर्थी देखे, अगर कहीं ना कहीं कोरोना से बचते हैं तो जाहिर तौर पर अगले साल की गणेश चतुर्थी खूब होले से मनाई जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, जो आपने तस्वीरें दिखाई वो बहुत खूबसूरत थी, लोग वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, आज साप्ताहिक लॉकडाउन है, तमाम चीजें अपनी जगह है, लेकिन भगवान की पूजा तो करनी है और आज गणेश चतुर्थी का पावन त्योहार है। धन्यवाद जितेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए और इतनी बढ़िया और खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए। अभी एक छोटे से ब्रेक में रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है।